दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। ये यूनिवर्सिटी हमारे वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको गाइड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सिंपली मैं थोड़ा जल्दी से बताऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एमबीए की। एमबीए आपको 2 साल का मिलता है, ठीक है। और एमबीए में एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर कैट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग कैट का एग्ज़ाम क्लियर कर दे लगभग ये कोर्स कर पाओगे। अगर आप लोग यहाँ से कैट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते तो आप यहाँ से नहीं कर सकते। तो बात करते हैं बीएससी की। अगर आप लोग बीएससी करना चाहते हैं नर्सिंग से तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रीम मिलने वाला है, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे और ये 4 ईयर का कोर्स मिलेगा आपको। तो चलिए बात करते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी का। तो ये आपको 5 ईयर का कोर्स मिलेगा। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी के लिए आपको BHU UET का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और इसी के साथ साथ 3 स्ट्रीम मिल जाएगा आपको। बात करते हैं MCA। अगर आप लोग MCA करना चाहते हैं तो MCA आपको 3 ईयर का मिलेगा और 3 ईयर के साथ साथ आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी नॉलेज वाले फुल टाइम में मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है। BA करना चाहते हैं तो BA भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग MSc करना चाहते हैं तो MSc भी आपको मिल सकता है। और आपको बता दूँ BCom भी आपको यहाँ पर एक कोर्स मिल जाता है। बात करते हैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। तो इसमें एडमिशन के लिए आपको BHU UET का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और MBBS करने के लिए आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। 5 ईयर का कोर्स होगा। LLB करना चाहते हैं तो LLB कर सकते हैं। LLB आपका यहाँ पर 3 ईयर का कोर्स रहेगा और इसके साथ साथ BLAT का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा आपको। बात करते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd। अगर आप लोग BEd करना चाहते हैं तो BEd आपको 1 ईयर का मिलेगा और आपको बता दूँ BHUET का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप BA और LLB दोनों ही कोर्स एक करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको BLAT का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। बात करते हैं BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो आप लोगों को कोई भी कोर्स 4 ईयर का मिलेगा और BHU UET का यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। MA करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकेंगे। PhD करना चाहते हैं PhD भी कर सकेंगे। बात करते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन की। तो अगर आप लोग मास्टर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं तो अभी आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो बात करते हैं बैचलर ऑफ म्यूजिक। तो आपको ये कोर्स 3 ईयर का मिलेगा। बात करते हैं BVoice की, तो आपको ये भी कोर्स यहाँ पर मिल जाता है। मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी कि MCom भी आपको यहाँ पर 2 ईयर का मिलने वाला है। MBA करना चाहते हैं तो MBA भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और DLITT भी कर सकते हैं। और यहाँ पर BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, डॉक्टर ऑफ साइंस आप यहाँ पर DSC भी कर सकते हैं और 3 ईयर का कोर्स मिलेगा। आप MFM करना चाहते हैं तो MFM भी कर सकते हैं और मास्टर ऑफ लॉ करना चाहते हैं तो मास्टर ऑफ लॉ भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप लोगों को यहाँ पर ये भी कोर्स मिल जाता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरीके की जानकारी आपके लिए और भी लाता रहूं। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और कोई जानकारी चाहिए तो और भी काफ़ी कोर्स बताने थे, लेकिन अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको लिए बना दूंगा वीडियो। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।